और चलिए खबरों में बात करेंगे पौड़ी की, जहां पर पौड़ी में अचानक मौसम के करवट बदलने से बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। कुछ समय के लिए हुई बारिश और ओलावृष्टि के साथ ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। जानकारों की माने तो बारिश के इंतजार में काश्तकार आंखें बिछाए बैठे थे, लेकिन ओलावृष्टि से नकदी फसलों को काफी नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन कुछ देर की बारिश और ओलावृष्टि के थमने के बाद मौसम ने करवट बदलते हुए मार्च के महीने में ठंड का एहसास करवा दिया है। इस दौरान लोगों ने मौसम को खुशगवार बताया है। लोगों ने कहा कि जहां मैदानी इलाका है वहां के लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं मंडल मुख्यालय में अभी ठंड बरकरार है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। इस बार पौड़ी में ही नहीं बोलूंगी मैं, उत्तराखंड में बारिश तो असमय हुई है। जब बारिश का टाइम था तब तो हुई थी बारिश, अभी जो है मार्च का महीना शुरू हो चुका है, मतलब मिड मार्च होने वाला है, तो आज बारिश हुई है और बारिश तो लगभग कम ही देखने को मिली, लेकिन ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि से जो है फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और फिर से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है पौड़ी में। बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अभी भी बारिश लगी हुई है, इससे पहले ओलावृष्टि हुई थी तो